स्वागत है आपका हमारे चैनल बनिंग स्पोर्ट 11 में। फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं पंजाब और आरसीबी के बीच में जो 27 वां मैच खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे देखिए दोनों टीमों ने पांच पांच मुकाबले खेले हुए हैं। पांचों मैचेस में यहां पे दोनों टीमों के प्लेयरों का क्या परफॉर्मेंस रहा है वो हम आपको दिखाने वाले इस वीडियो में, और पिच रिपोर्ट से लेकर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्या परफॉर्मेंस कौन से प्लेयर ने दिए हैं, किस मैच में क्या परफॉर्मेंस प्लेयर का रहा है, बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक सब कुछ आपको यहाँ से दिखाने वाले इस वीडियो में। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, उससे YouTube पे आगे आने वाले मैचेस के जो वीडियोस रहेंगे नोटिफिकेशन में आपको आसानी से मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहाली में मैच खेला जाएगा और यहाँ पे 27वां मैच खेला जाएगा पंजाब और फ्रेंड्स ऐसे बेंगलोर के बीच में। तो दोनों टीमों के ऑल ओवर परफॉर्मेंस को लेके भी आया हूँ और जो मैचेस यहाँ पे मोहाली में खेले गए हैं वो भी यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ, क्या परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे प्लेयरों का, चलिए एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ऑल ओवर की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे प्रवासी अरुण सिंह है, इनका आप देख सकते हैं पाँच मैच में 27 रन का स्कोर किया है। जितेश शर्मा ने 79 रन का स्कोर किया पाँच मैचेस में। इसके अलावा मैथ्यू शॉर्ट हैं, तीन मैचेस खेले हुए हैं, 71 रन बनाए हुए हैं। इसके अलावा बात करें लिविंगस्टोन नहीं है, चांसेस हैं पता नहीं क्यों आ रहे हैं, स्क्वाड से जुड़े हुए हैं। तो 23 इनके जो मैचेस हैं उसमें से 549 की इनका रन है और दो विकेट्स भी इनने निकाले हुए। तो ये इनका बैक टू बैक T20 का परफॉर्मेंस है, ये आपको मैंने दिखा दिया। अगर टीम में खेलते हुए देखें तो बिल्कुल आप अपनी टीम में इनको ट्राई कर सकते हैं। शाहरुख खान की बात करें तो पांच मैच में 71 रन का स्कोर इन्होंने किया है। इसके अलावा हरप्रीत सिंह भाटिया लास्ट मैच खेले हुए थे, 22 रन का स्कोर इन्होंने किया है। कगीस और अबाड़ा की बात करें तो दो मैचेस में तीन विकेट्स इन्होंने निकाले हैं। सिकंदर राजा ने दो विकेट्स लिए हैं और 79 रन का स्कोर किया है, तीन मैचेस इन्होंने यहाँ पे खेले हुए हैं। और इसके अलावा बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स अर्शदीप सिंह की, तो देख सकते हैं पांच मैचेस में आठ विकेट लिए हैं, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यहाँ पे। इसके अलावा शेम करन की बात करें तो पांच मैचेस में 77 का स्कोर किया और पांच विकेट्स भी इन्होंने लिए हैं। इसके अलावा हरप्रीत बरार ने यहाँ पे 15 रन बनाए हैं, दो विकेट्स लिए हैं, पाँच मैचेस ये यहाँ पर खेल चुके हैं। शिखर धवन हालाँकि वो हैं अभी, और अच्छा खासा स्कोर इनका भी है। और तो फ्रेंड्स इनका 233 रन का स्कोर है अभी तक टोटल, और लास्ट मैच ये खेले नहीं थे। और यहाँ पे देखिए बेंगलोर के प्लेयरों की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ मोहम्मद सिराज आठ विकेट ले चुके हैं पांच मैचेस में। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं शहबाज अहमद हैं, 33 रन का स्कोर इन्होंने किया है और काफ़ी नीचे खेलने के लिए आते हैं ये। और इसके अलावा बात करें फैफ डुप्लेसिस की, पांच मैचेस में 259 रन का स्कोर इन्होंने किया है। लोमरो ने 26 रन बनाया तीन मैचेस में। परमोल है, तो परमोल का आप यहां पे देख सकते हैं तीन मैचेस में दो यहां पे पांच विकेट्स लिए हैं, दो रन का स्कोर किया है। इसके अलावा हर्षल पटेल हैं, छः विकेट्स इन्होंने निकाले हैं पाँच मैचेस में। मैक्सवेल ने लास्ट मैच में बॉलें कराई थी, मैक्सवेल को लेकर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आज के मैच में ये बॉलें कराते हैं तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपके लिए बहुत शानदार ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे ग्रैंड लीग में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, लास्ट मैच का भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैक्सवेल ने 176 रन का स्कोर किया है पांच मैचेस में, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लास्ट मैच में इन्होंने बॉले एक दो ओवर ही कराए थे लगभग, और तीसरा ओवर ये करा रहे थे, एक विकेट इनने लिया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके लिए। हशरंगा की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो मैचेस खेले हुए हैं, दो विकेट्स इन्होंने लिए हुए हैं, दोनों मैचेस में एक एक विकेट लिया है। विजय कुमार ने तीन विकेट्स लिए थे पहले मैच में और सेकेंड मैच में एक विकेट लिया है, चार विकेट्स यहाँ पर विजय कुमार ले चुके हैं, दो ही मैचेस खेले हुए हैं। दिनेश कार्तिक की बात करें तो 38 रन का स्कोर इन्होंने किया है, काफ़ी नीचे लगभग लो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आते हैं। विराट कोहली ने 220 रन का स्कोर यहाँ पे किया है पांच मैचेस में। तो ये ऑल ओवर परफॉर्मेंस हो गया दोनों टीमों का, जो भी यहाँ से प्लेयरों ने आज इसी सेशन में दिया है। देखिए पंजाब की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो मैच खेला गया था मोहाली में, यहाँ पे पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 191 रन का स्कोर किया था, KKR उसको चेस नहीं कर पाई थी। इसके अलावा ये इनका सेकंड मुकाबला है, राजस्थान के अगेंस्ट हुआ था, ये इनका हैदराबाद के अगेंस्ट हुआ था, ये चौथा मैच जो खेला था ये भी मोहाली में खेला गया था, और यहाँ पर 153 रन का स्कोर किया था पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए, आठ विकेट खो दिए थे, और यहाँ पर गुजरात ने चेस कर लिया था चार विकेट पर। तो ये दोनों मैचेस यहाँ पर मोहाली में हुए हैं,
तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर लगभग 150 मिनिमम मान के चलिए, तो इससे कम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम की बात करें तो फ्रेंड्स 190 तक पहला मैच यहाँ पे खेला गया है, बिल्कुल आपको स्कोर यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। कुछ इस प्रकार से आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन तैयार करना है। ये इनका पांचवा मुकाबला है जो लखनऊ के अगेंस्ट में खेला गया था, यहाँ पंजाब ने यहाँ पे चेस करते हुए जीत लिया था। बात करें यहाँ पे प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पे देखिए ट्रेड पहले मैच खेले हुए थे, ये लास्ट मैच खेले हुए थे, पहला ही मैच था इनका, और यहाँ पे तीन बॉल आते ये आउट हो गए थे। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, पर खेलते हुए आपको लगभग मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ओपनर खेलेंगे। यहाँ पे प्रवास सिमरन सिंह का आप देख सकते हैं, लास्ट मैच में ये सब्स्टिट्यूट में रहे थे, लेकिन सारे मैचेस खेले हुए हैं, ओपनिंग करते हुए देख सकते हैं आप इनका। एक मैच अच्छा गया था, 60 रन का स्कोर किया था, और बाकी एक मैचेस में 23 रन बनाए थे। बाकी इनका कोई खास यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा नहीं, लगातार तीन मैचेस थे। धवन यहाँ लास्ट मैच नहीं खेले थे, जो चार मैचेस खेले हुए हैं आप उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हैं। मैथ्यू शॉर्ट की बात करें तो 34 रन का स्कोर किया है लास्ट मैच में इन्होंने, तीसरे नंबर पे ये खेलने के लिए आ गए थे वन डाउन। इसके अलावा हरप्रीत भाटिया को लाया गया था, पहले ही मैच इन्होंने खेला है, 22 बॉल में 22 रन का स्कोर इन्होंने किया है, चार नंबर पे ये आपको खेलते हुए दिखने वाले। इसके अलावा सिकंदर रजा है, एक विकेट और 57 रन का स्कोर इन्होंने किया है लास्ट मैच में। सेम करण की बात करें तो तीन विकेट्स इन्होंने निकाले हैं, 6 रन का स्कोर भी किया था। ये सेम बैटिंग ऑर्डर है जो लास्ट मैच में इन्होंने यूज़ किया है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर जितेश शर्मा की, तो आप देख सकते हैं जितेश शर्मा का लगातार जितने मैचेस खेले हुए हैं आप उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट मैच में 2 रन का स्कोर किया था। शाहरुख खान है, 23 रन का स्कोर इन्होंने किया, 10 ही बॉलें खेली थी लास्ट में आके। इसके अलावा हरप्रीत बरार हैं, एक विकेट से इन्होंने लास्ट मैच में निकाले हैं, दो मैचेस से एक एक विकेट से ले रहे हैं। इसके अलावा रवाडा ने 2 विकेट्स लिए थे लास्ट मैच में। और यहाँ पे बात करें राहुल चहर की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चहर को कोई विकेट्स यहाँ से नहीं मिल रहे हैं, 5 मैचेस खेले हुए, 2 ही विकेट्स ये अभी तक निकाल पाए हैं। तो ये प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए अच्छा हो सकता है, बढ़िया प्लेयर है, अच्छा स्पिनर है, बिल्कुल यहाँ से आपको ग्रैंड लीग में चाहे तो आप एक आध टीम में इनको ट्राई करिएगा। इसके अलावा एलिज नहीं है और मोहित राठी 2 ही मैचेस में आए थे। इसके अलावा अर्शदीप सिंह ने लगातार सारे मैचेस में यहाँ से विकेट्स लिए हैं आप देख सकते हैं, और 8 विकेट ये यहाँ से ले चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये प्लेयर आपके लिए। ये रही इनकी प्लेइंग 11 जो लास्ट मैच में यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया था। बात करते फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं आप बैटिंग ऑर्डर भी एक बार और बॉलिंग से परफॉर्मेंस भी यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे बेंगलोर की, तो बेंगलोर का यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मैचेस बेंगलोर ने यहाँ पे खेले हुए हैं, ये पहला मैचेस खेला था, ये सेकेंड मैचेस था इनका, और ये तीसरा मुकाबला था, ये चौथा था, और ये पाँचवा था, जिसमें से इन्होंने ये 3 मैचेस हारे हुए हैं और ये 2 मैचेस यहाँ पर जीते हुए हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 में से 3 मैचेस हारते, 2 मैचेस यहाँ पे जीते हुए। फट देखिए यहाँ पे बात करें इनके प्लेइंग 11 की बैटिंग परफॉर्मेंस की, तो विराट कोहली का आप लगातार यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जितने भी मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं अभी तक 5 मैचेस में टोटल इनका क्या परफॉर्मेंस रहा। लास्ट मैच में ये आउट हो गए थे, आपको मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्म भी किया था इसके पहले जो वीडियोस डाला था इनके मैच में। यहाँ पे बात करते हैं फाफ डुप्लेसिस की, तो जबरदस्त फॉर्म में, लास्ट मैच में 62 रन का स्कोर इन्होंने किया है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स लोम रोड की, तो 5 बॉलें आज यहाँ पे खेली थी इन्होंने, स्कोर हालांकि इनका बिल्कुल नहीं रहा है, और 2 ही मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल हैं, लास्ट मैच में एक विकेट्स भी लिया इन्होंने, 76 रन का स्कोर किया था, वो भी 26 बॉलों में, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बिल्कुल आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करिएगा। ये बॉलें वगैरह दूसरे मैच में ही इनने यहाँ पे बॉल कराई है, और इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए खासकर, क्योंकि बॉलें वगैरह करेंगे, विकेट्स वगैरह निकालेंगे, तो बहुत अच्छे प्लेयर आपके लिए हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें शहबाज अहमद की, फ्रेंड्स यहाँ पे आप शहबाज अहमद का भी देख सकते हैं, यहाँ पे लगातार जितने मैचेस खेले हुए हैं बॉलें वगैरह 3 मैचेस में कराए हैं, कोई विकेट्स वगैरह नहीं मिले इनको, लास्ट मैच में 12 रन का स्कोर किया है। दिनेश कार्तिक ने 14 बॉल में 28 रन का स्कोर किया था। इसके अलावा यहाँ पे सुयश प्रभुदेसाई को लाया गया था जो सब्स्टिट्यूट में, और 19 रन का स्कोर इन्होंने किया था। इसके अलावा परमोल ने लास्ट मैच में एक विकेट से निकाला है, हसरंगा ने भी यहाँ पे एक विकेट से लिया है, 2 ही मैचेस खेले हुए हैं और दोनों मैचेस में एक एक विकेट से इन्होंने निकाले हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं हर्षल पटेल ने लगातार सारे मैचेस में विकेट्स लिया, लास्ट मैच में भी इन्होंने एक विकेट से यहाँ पे लिया है। मोहम्मद सिराज की बात करें तो कंटिन्यू ये विकेट्स लेते हुए आ रहे हैं, और लास्ट मैच में भी एक विकेट से ने यहाँ पे निकाला है। ये प्लेयर परफॉर्मेंस इसलिए है कि टीम बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। वाइशक यहाँ पे आप देख सकते हैं विजय कुमार ने 2 मैचेस खेले हुए हैं, 4 विकेट्स इन्होंने भी लिए हुए हैं,
तो इन प्लेयरों का जरूर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा बॉलिंग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है खासकर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में। फ्रेंड्स ये टीम लगभग बढ़िया टीम है स्मॉल लीग के लिए बोलूँगा मैं यूज़ करने के लिए। बाकी देखिए धवन आज के मैच खेलेंगे, आप बिल्कुल यहाँ पे परमल को आप चाहें या एक प्लेयर कोई भी आप चाहें तो यहाँ से निकाल के आप धवन को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल अपने प्लेयर को ले सकते हैं, अच्छे फॉर्म में है और इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल शानदार एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बोलूँगा, विराट कोहली फाइव डुप्लेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो ये ग्रैंड लीग में या स्मॉल लीग में, स्मॉल लीग में खासकर यही लोग आपको मिलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस करना है तो शिवम करण और सिकंदर राजा के साथ भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए लास्ट मैच में आपने देखा होगा शानदार यहाँ पे 50 लगाते हुए एक विकेट्स भी निकाला सिकंदर रजा ने, सेम करण ने 3 विकेट्स निकाले हैं, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये थोड़ा सा। अब एक कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये भी चेंजेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे अगर धवन को पिक करते हैं तो आप जितेश शर्मा को आउट करके यहाँ पे दिनेश कार्तिक को ले सकते हैं, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपको तैयार करना है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग सारे प्लेयरों का आपको पता ही है, ऑल ओवर परफॉर्मेंस से लेके सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। हाँ ग्रैंड लीग में जरूर बोलूँगा आपके पास सिराज का ऑप्शन है, आपके पास यहाँ पे सेमकरण का ऑप्शन है, एकादश टीम में आप चाहें तो यहाँ पे हरदीप सिंह के साथ भी जा सकते हैं, रवाडा भी शानदार है, 3-4 विकेट्स इनमें से कोई अगर ले जाता तो वन साइडली भी आप लोग जा सकते हैं। तो ग्रैंड लीग में थोड़ा सा फोकस करिएगा एज ऑलराउंडर और फ्रेंड्स यहाँ पे बाकी एक दो टीम में ही फोकस करिएगा, बाकी बैट्समैन भी बहुत शानदार हैं, तो यहाँ पे धवन भी खेलेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेंगे, तो ये कुछ एक कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर देना है और यूट्यूब पर नोटिफिकेशन हमारे आसानी से आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।